दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट। हमारे खास सेगमेंट यादों के झरोखे से में हम आपके लिए आज बेहद ही दिलचस्प किस्सा लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं 90s के दौर की एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसने टेलीविजन से अपने करियर की शुरुआत की और बड़े पर्दे पर भी काफी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी। उनके काम को लोगों ने पसंद भी किया। उनके एक्टिंग के साथ साथ उनके पास एक और कला थी और वो डांसिंग में, क्लासिकल डांसिंग में महारत हासिल कर चुकी थी और उनको ये शिक्षा उनकी माँ से मिली थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक्ट्रेस ने अपने करियर के पीक पर इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और अलविदा कहने के बाद वो आखिर कहाँ गई, ये आज हमारी इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे अर्चना जोगलेकर की, जो कि 90s के दौर में काफ़ी हिट एक्ट्रेसेस रहे में से शुमार हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अर्चना ने जब वो अपने करियर की पीक पर थी तो उन्होंने US शिफ्ट होने का फैसला कर लिया, शादी और फैमिली प्लानिंग कर ली, जिसकी वजह से उन्होंने इंडस्ट्री को तो अलविदा कह दिया लेकिन अपने पैशन को कभी अलविदा नहीं कह पाई। जी हाँ, अब अर्चना जोगलेकर का US में ही डांस अकेडमी है जहाँ वो लोगों को क्लासिकल डांसिंग सिखाती हैं और अपने पैशन को जीती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि डांसिंग मेरी रगों रगों में बहता है और मैं डांसिंग के साथ ही जीना चाहती हूँ, डांसिंग के साथ ही मरना चाहती हूँ। और अपने इसी पैशन के लिए उन्होंने अपने करियर के पीक पर इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। तो फिलहाल के लिए तो हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।